टेंट सो फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो एलेवेंथ क्लास का है मेडिकल आई टी में एडवांस और हम लोग डिस्कस कर रहे थे जैसे लास्ट क्लास एक लेक्चर मैंने कंप्लीट किया था और उस लेक्चर में हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि एक ब्लॉक है और उसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक भी है एम वन है एम टू है और यहाँ पर हम लोग फोर्स लगा रहे थे और फिर कंडीशन था कि ब्लॉक्स जो है वो मूव टुगेदर या डिफरेंट अलग अलग स्पीड से अलग अलग एसोलेशन से मूव कर रहा है अभी हम लोग का इस लेक्चर में ये फोर्स को हम लोग नीचे ना लगा के ऊपर डिस्कस करेंगे ऊपर लगा देंगे फोर्स और फिर हम लोग कंडीशन डिस्कस करेंगे कि साथ साथ चल रहा है या अलग अलग चल रहा है तो आसान सा है जैसे लास्ट क्लास आपने क्वेश्चन डिस्कस किया है वैसे ही यहां भी है तो नंबर वन यह ब्लॉक एम टू और यहां जो कॉन्फिटेंट ऑफ फ्रिक्शन है है मे टू ब्लॉक एम वन और यहाँ पे जो ऑफ़ फ्रिक्शन है है वो है, ऐसे और यहां से मैं एक बॉल को ब्लॉक को ऐसे पुलिंग करना है पुल करना है खींचना है ठीक है तो हमें कंडीशन स्टडी करना है कि ब्लॉक्स मूव टुगेदर उसके लिए मिनिमम फोर्स मैक्सिमम फोर्स सो so, ब्लॉक्स मूव टुगेदर इसके लिए एफ मिनिमम फोर्स चाहिए और एफ मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो हम लोग पढ़ चुके थे अगर अगर वो फोर्स नीचे लग रहा है तो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसी का दूसरा पॉइंट है चलिए अब स्टडी करते हैं देखिए आप मिनिमम तो दोनों में सेम रहेगा जैसे इससे पहले वाला रिजल्ट आप इससे पहले लेक्चर जो आपने पढ़ा है exactly एग्जैक्टली सेम रहेगा केस वन केस वन में हम लोग स्टडी करेंगे एफ मिनिमम मिनिमम फोर्स फोर मिनिमम फोर्स मिनिमम फोर्स के लिए देखिए तो मिनिमम फोर्स के लिए आप ऐसा एस सोचे कि ये ये पूरा कंबाइंड सिस्टम M2, M1 एक ही सिस्टम है और एक ही सिस्टम में आप ऐसे कर लेंगे कि ये एक ब्लॉक हुआ M1 और प्लस M2 टू हुआ ये पूरा कंबाइंड सिस्टम हुआ और ब्लॉक है जिसका मास है M1 वन प्लस एम ऐसे इस तरह से ये कम्बाइंड सिस्टम मान लीजिए इस पर लग रहा है फोर्स ये है एफ ये हुआ ठीक है और यहाँ ब्लॉक है इसमें जो है वो म्यू है ऐसा इस तरह से म्यू टू हुआ तो एफ जो मिनिमम हुआ ठीक है ये फ्रिक्शन जो होगा वो एफ टू एफ टू के बराबर कर लीजिएगा तो एफ का जो मिनिमम फोर्स क्योंकि अगर हमें मोशन करना है तो मिनिमम फोर्स जो है वो एफ टू के बराबर और एफ जो मिनिमम हुआ एफ टू तो आप जानते हैं एफ टू इज जो टू ये हुआ म्यू टू और एन नॉर्मल नॉर्मल कंबाइंड सिस्टम के लिए एम वन प्लस एम टू और जी ऐसे मैक्सिम के लिए प्लान करते हैं केस टू और मूव टुगेदर के लिए तो ऐसे देखिए केस टू फॉर मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम फोर्स ठीक है ये मिनिमम फोर्स के लिए और मैक्सिमम फोर्स मूव टुगेदर साथ साथ चलना है तो देखिए समझिए यहां पे देखिए तो आप मैक्सिम के लिए अगर आपको अप्लाई करना है मिनिमम दोनों में सेम है चाहे आप फोर्स ऊपर करें नीचे करें जो दोनों इससे पहले वाला लेक्चर और इस लेक्चर में सो सेम रहेगा मैक्सिम चेंज करेगा ठीक है तो मैक्सिम में है मूव टुगेदर मूव टुगेदर में आप जानते हैं मैंने आपको समझाया था कि इसको प्रेजेंट करने का तरीका ये है कि एम लिखेंगे ऐसा और एम लिखेंगे ऐसा ठीक तो है और इस पर अगर फोर्स है एफ इस पर फोर्स एफ है तो सोर इस पर फ्रिक्शन फोर्स लिखने का तरीका होगा एफ वन ये इक्वल ना एफ वन ये एफ वन एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा और एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा तो यहाँ हो जाएगा एफ टू ऐसा ठीक है और मूव टुगेदर साथ साथ चलना है दोनों का एक्सलेशन सेम रहेगा एक्सलेसन ए और ये भी चल रहा है साथ साथ चल रहा है तो इसका भी एक्सलेसन जो है वो सेम रहेगा ठीक है ऐसा और यहाँ मैक्सिमम की बातें कर रहा है तो F2 और F1 आप जानते हैं कि यहाँ F2 F2 का जो वैल्यू हुआ आप पढ़ चुके हैं F2 टू यहाँ पर है वो है म्यू टू और एम वन प्लस एम टू ये हम लोग यूज़ करेंगे जी और जो F1 वन वहाँ जो F1 है F1 जो हम लोग यूज करेंगे वो है म्यू वन और एम वन जी ये यूज करना है एफ वन यह जस्ट मैक्सिमम डाटा है जिसपे एकदम इस, इस डाटा पे साथ साथ चल रहा है इत, इस डाटा पे है मतलब ये मैक्सिमम के लिए ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो म्यू वन एन वन और जो कि म्यू वन एम वन जी होगा अब आप टू इक्वेशन लिखेंगे टू एन वन करेंगे आप सो so, आप लिखेंगे कैपिटल एफ़ माइनस एफ वन इज इक्वल टू आर एम वन और ए इक्वेशन नंबर वन और दूसरा इक्वेशन लिखेंगे एफ वन माइनस एफ टू इज इक्वल टू एम टू और एम टू इक्वेशन नंबर टू दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे ऐड करेंगे तो कैपिटल एफ माइनस एफ टू इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू और ए ये ऐसे यूज कर लीजिए ठीक है और ए ए आप यूज करेंगे यहां से आपका इक्वेशन नंबर वन से इक्वेशन नंबर वन से ए हटा लीजिए वहां से रिप्लेस कर लीजिए तो यहां से इक्वेशन नंबर वन से आप ए को हटाइए फ्रॉम इक्वेशन वन एज इक्वल टू एफ माइनस एफ वन बाई एम वन ठीक है और ये ए को यहां से रिप्लेस करके यहाँ पुट कर लीजिए एफ माइनस एफ टू एम वन प्लस एम टू तो एफ माइनस एफ वन बाय एम वन ऐसा सॉल्व कर लीजिए ये मैक्सिमम फोर्स बता देगा आपको ये और मिनिमम का हम लोग केस वन में कैलकुलेट कर लिए सॉल्व कीजिए इसको कैपिटल एफ एम वन माइनस एफ टू इंटू एम वन सो एम वन प्लस एम टू एफ माइनस एम वन प्लस एम टू एफ वन ऐसे सॉल्व करेंगे यहां पर और कुछ बड़ा हो गया और छोटा करें हम लोग एफ वन क्या था एफ वन थोड़ा बड़ा हो गया अच्छा चलिए सॉल्व कर लेते हैं फिर उसके बाद ए, ए, उस टर्म को इधर कर लेते हैं एम वन और प्लस एम टू और यह है एफ वन इधर कर लेते हैं और माइनस एम वन और एफ टू इज इक्वल टू ये इधर से इधर घटा लेंगे ये तो F इन टू एम टू ये एक कैंसिल हो जाएगा ठीक है अच्छा अब मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे M1 वन प्लस एम और F1 वन फ्रिक्शन वन वो था मे वन एम वन जी तो म्यू वन और एम वन जी और माइनस एम एम वन फ्रिक्शन टू टू फ्रिक्शन जो था वो था एम वन प्लस एम टू और ये था म्यू टू इंटू जी इज इक्वल टू एफ़ इंटू एम ये था आपका तो अगर हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं तो इसमें से जो एम वन प्लस एम टू एम वन प्लस एम टू और यहाँ पे फिर से एम वन जी और ये हो गया म्यू वन माइनस म्यू टू ठीक है और इज इक्वल टू एफ़ और इंटू एम टू एफ का जो मैक्सिमम वैल्यू एफ का जो मैक्सिमम वैल्यू हो, वो एम वन प्लस एम टू एन टू एम वन बाई एम टू टू जी मे वन माइनस मे टू यह है रिजल्ट, ये तो ये था आपका रिजल्ट कि अगर आपका ब्लॉक्स मूव टुगेदर उसके लिए मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू और आप लिख सकते हैं इसमें तो आपने ये फाइनल रिजल्ट देखा कि ये है M2 और यहां एक ब्लॉक है M1 वन फोर्स लग रहा है ऊपर वाले ब्लॉक पे यह है म्यू वन और ये म्यू टू है और सिस्टम जो है मूव्स टुगेदर और अगर ये सिस्टम मूव्स टुगेदर तो एफ का जो मिनिमम वैल्यू है वो वैल्यू हो जाएगा एफ टू के बराबर जिसका मतलब है म्यू टू इंटू एम वन प्लस एम टू थ्री ये और एफ का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपने कैलकुलेट किया है यहां पर एम वन प्लस एम टू इन टू एम वन बाई एम टू जी म्यू वन माइनस म्यू टू तो ये था रिजल्ट ऐसे ओके okay? नेक्स्ट तो ये कोई याद नहीं करना है जब जरूरत होगा आप ड्राइव भी कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट मान लीजिए कि ये जो सरफेस है एक एम वाला जो सरफेस है वो स्मूथ हो ठीक है ऐसे ये है एम यह है मे वन और मे टू इक्वल टू जीरो सरफेस है स्मूथ स्मूथ सरफेस yes. एस और ये ब्लॉक्स मूव टुगेदर ब्लॉक्स अगर साथ-साथ चल रहे हैं ब्लॉक्स एक साथ चल रहे हैं तो एक साथ चलने के लिए अगर हमें चाहिए मिनिमम तो मिनिमम तो जीरो हो जाएगा ऐसे, क्योंकि तो यहां म्यूटू ही जीरो हो गया तो मिनिमम जीरो हो गया और मैक्सिमम मैक्सिमम में आप म्यूटू को जीरो कर लीजिए म्यूटू जीरो हो गया तो m1 m2 m1 m2 जी, ओके okay, रिजल्ट था रिजल्ट कि ब्लॉक्स मूव टुगेदर के लिए थर्ड पॉइंट अब मैं देख लेता हूं क्या क्या क्वेश्चन है था इसमें थर्ड क्वेश्चन तो सब आसान ही रहेगा सो so, यह है फाइव के जी टू के जी टेन तो यहां पे एक ब्लॉक है वो है फाइव के जी है टू के जी इस फोर्स लग रहा है टेन न्यूटन, फोर्स लग रहा है टेन न्यूटन में उन लिखा हुआ जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू म्यू टू जो लिखा हुआ ये है यह है जीरो पॉइंट थ्री ये हुआ एम टू यह है एम वन ऐसे सो एसलेसन ऑफ ब्लॉक्स ऑन फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स हमें यहाँ पे इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स चाहिए यहां फ्रिक्शन फोर्स चाहिए और एसलेसन ऑफ ब्लॉक तो हमें फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स चाहिए तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं ना कि ये साथ साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है ठीक है तो पहले हमें कंडीशन चेक करने दीजिए ब्लॉक्स मूव टुगेदर ब्लॉक्स मूव टुगेदर अगर ये साथ साथ चल रहा है तो फोर्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा फोर्स का मिनिमम वैल्यू हुआ वो जानते हैं म्यू टू जीरो पॉइंट थ्री एम वन प्लस एम टू जी एम वन प्लस एम टू सेवन और जी टेन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन डू ये मिनिमम वैल्यू है ठीक तो है और अब मैक्सिमम मैक्सिमम जो वैल्यू हो गया मूव टुगेदर के लिए ये है आपका एम वन प्लस एम टू सेवन एम वन बाई एम टू टू बाई फाइव जी और म्यू वन और माइनस म्यू टू म्यू वन माइनस म्यू टू म्यू वन माइनस म्यू टू तो ये तो ऊपर में पॉइंट टू है नीचे में पॉइंट थ्री है सो म्यू वन माइनस म्यू टू तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा मॉड ले लीजिए मॉड लेंगे तो मॉड में आप प्लस ले लीजिएगा ऐसे तो भी आपका ऐसा तो इसकी ज़रूरत नहीं है मान लीजिए फिर भी हमें चेक करना हो तो एम वन प्लस एम टू ये हुआ एम वन बाई एम टू एम वन हुआ टू बाई एम टू जी और म्यू वन माइनस म्यू टू म्यू वन माइनस मे टू करेंगे तो जीरो पॉइंट वन आ रहा है तो जीरो पॉइंट वन इससे कैंसिल हो गया फिर भी ये फोर्टीन बाई फाइव ये मिनिमम मिनिमम नहीं है तो मिनिमम से भी छोटा हो गया है यहाँ पर चलिए छोड़ दिया छोड़िए इसकी ज़रूरत नहीं है मान लीजिए आएगा क्वेश्चन फिर से हम लोग चेक कर लेंगे दूसरे क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पे तो अगर ब्लॉक्स मूव टुगेदर तो उसके लिए ये कंडीशन है मिनिमम फोर्स मिनिमम फोर्स इतना होना चाहिए बट जो आपका गिवन है वो गिवन जो फोर्स है वो एफ जो गिवन है वो वो तो आपका इससे भी छोटा है एफ गिवन है वो लेस देन लेस जो है एफ गिवन लेस देन एफ मिनिमम मिनिमम से भी छोटा ठीक है तो जो गिवन है वो तो मिनिमम से भी छोटा है ठीक है ऐसे क्वेश्चन है टू किलोग्राम फाइव किलोग्राम जीरो पॉइंट टू और फोर्स है टेन लोटर तो अगर साथ साथ मूव करना है तो ये होना चाहिए यहाँ पे हुआ ट्वेंटी वन बट ये गिवन जो है वो इससे भी छोटा है ठीक है तो इसका मतलब ये तो मूव नहीं करेगा ठीक है अब मूव नहीं करेगा ये एम टू तो नहीं मूव करेगा कम से कम ठीक है क्योंकि ये पूरा मूव करने के लिए ये सिस्टम को पूरे सिस्टम को मूव करने के लिए वो तो जरूरी है कि इतना कम से कम होना चाहिए बट ये नहीं मूव करेगा नीचे वाला तो नहीं मूव करेगा ये तो क्लियर हम लोग को पता चल रहा है आपको, अब देखता हूं मैं, अब देखिए यहाँ ठीक है ये तो नहीं मूव कर रहा अब मुझे थोड़ा सा इसका देख लेने दीजिए कि यहां जो फ्रिक्शन है वो कितना काम कर रहा है अब ध्यान से देखिए तो ये है टू किलोग्राम और यह है आपका फाइव किलोग्राम ठीक है तो फाइव किलोग्राम वाला यह तो रहेगा रेस्ट में ठीक है यह फाइव किलोग्राम जो है यह तो रेस्ट में रहेगा फाइव किलोग्राम वाला तो रेस्ट में रहेगा क्योंकि यह मूव नहीं करेगा क्योंकि मूव करने के लिए कम से कम इतना चाहिए इतना मूव करने के लिए चाहिए साथ साथ नहीं अलग भी रहता तो इतना चाहिए बट वो नहीं मूव करेगा यहाँ पे लग रहा है आपका टेन न्यूटन तो मुझे थोड़ा इसमें देखने दीजिए यह है टेन न्यूटन फोर्स लग रहा है तो यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा मैं चेक करता F1. तो एफ F1 वन का जो वैल्यू है एफ वन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकता है मे वन एम वन जी तो मैं चेक करने दीजिए एफ वन का मैक्सिमम वैल्यू मे वन जो है वन है जीरो पॉइंट टू और मास है यहाँ पे टू और यहाँ पे है टेन तो ये है आपका फोर फोर न्यूटन तो ये ठीक है अगर अगर ये फोर न्यूटन है यहाँ पे फोर न्यूटन है तो फोर न्यूटन के चलते ये मोशन करेगा ये तो रेस्ट में रहेगा ये तो नहीं इसलिए रेस्ट में रहेगा कि आप जानते हैं कि ये फोर न्यूटन है ये फोर न्यूटन है फोर न्यूटन इसमें है बट इधर जो जो इधर की तरफ फोर्स लगेगा जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो F2, F2 आप देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये है 21 वन न्यूटन आ रहा है तो तो ये तो मोशन होगा ही नहीं इसमें तो कोई क्योंकि 4 न्यूटन से खींचेगा बट ये रजिस्ट करेगा 21 वन न्यूटन से तो इसमें तो कोई मोशन है नहीं उसमें मोशन होगा क्योंकि आगे लगने वाला टेन न्यूटन है और इधर रजिस्ट करने वाला है फोर न्यूटन तो ये मोशन करेगा तो इसका ऐसा कर लीजिए ऐसे फोर्स मास तो फोर्स ट माइनस फोर टू इंटू एक्सन तो ब्लॉक वन का एक्सेलरेशन हो गया थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यह है ब्लॉक वन का एक्सेलरेशन ब्लॉक टू नहीं चलेगा ब्लॉक टू का एक्सलेशन जीरोगा वो रेस में और फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स ऐसे और मुझे चाहिए फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा वो फोर न्यूटन तो ये है फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स तो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स तो ब्लॉक्स तो के बीच में जो फ्रिक्शन हुआ वो है फोर न्यूटन का ये तो इस तरह हमें चेक करना होता है कि क्या ये मिनिमम मैक्सिमम से रिलेट कर करके क्या ये मूव कर रहा है साथ साथ तो पता चला कि नहीं साथ साथ नहीं क्योंकि ये जो फोर्स है फोर्स तो इससे भी छोटा है ये जो आपका फोर्स है उससे भी छोटा है तो साथ साथ मूव करने का कोई चांस ही नहीं है और ये इसको चेक कर लीजिए ये इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो सप्लाई फोर्स है इस पे लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा है तब तो ये मूव करेगा बट ये वाला रेस्ट में रहेगा ये नहीं मूव करेगा क्योंकि यहाँ जो आप फोर्स लग रहा है इधर खींचने वाला फोर न्यूटन बट रेजिस्ट करने वाला है ट्वेंटी वन न्यूटन तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा रेस्ट में रहेगा Next. फोर्थ पॉइंट सो फाइव जी टू के जी फाइव न्यूटन यहां पर है एम टू जो है फाइव के जी एम वन है टू के जी फोर्स जो लग रहा है वो है फाइव न्यूटन यहां म्यू जीरो पॉइंट टू म्यू टू जीरो क्वेश्चन वही है वही पूछा जा रहा है कि नाउ फाइंड द ऑफ ब्लॉक ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स तो ब्लॉक्स के बीच में यहां जो फ्रिक्शन फोर्स है ना वो चाहिए बिटवीन ब्लॉक्स मुझे फ्रिक्शन यहां वाला फ्रिक्शन चाहिए और एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक चाहिए तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले चेक कर लेते हैं इफ ब्लॉक्स मूव टुगेदर अगर ये साथ साथ मूव करेगा तो एफ एफ का मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो आज तो हो जाएगा जीरो और एफ का जो मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं एम वन प्लस एम वन बाई एम टू टू बाई फाइव इन टू टेन मे वन माइनस मे टू मे वन माइनस म्यू टू पॉइंट टू तो गेस करते हैं ये तो ये हो गया आपका टू और फोर ट्वेंटी एट बाई फाइव यह है ट्वेंटी एट और बाई फाइव तो फाइव पॉइंट सिक्स है यह फोर्स जो है वो दोनों के बीच में लाइक कर रहा है ऐसे लाइक कर रहा है तो जो गिवन फोर्स जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाइक कर रहा है तो इसका मतलब मूव टुगेदर ये साथ साथ चलेगा ठीक है थीके? और जब साथ साथ चलेगा तो वो फ्रिक्शन मैक्सिमम वाला नहीं होगा ठीक है अब देखिए अब ऐसे बनाएंगे दोनों का एसोलेशन कॉमन होगा देखिए तब ऐसे लिखेंगे ब्लॉक्स मूव टुगेदर ब्लॉक्स Move तो ऐसे बनाएंगे बोलेंगे कि ये है M2 टू यहां तो नीचे में कोई फ्रिक्शन है नहीं स्मूथ है ये है M1 इस पे लग गया फोर्स कितना तो इधर लग गया फोर्स फाइव न्यूटन यहां फ्रिक्शन लग गया वो है F यहाँ फ्रिक्शन लग गया वो फ्रिक्शन का नाम है एफ ठीक है और मूव करेगा विथ कॉमन एक्सोलेशन दोनों का एसोलेशन सेम है ना एसोलेशन सेम दोनों का एसोलेशन सेम है नीचे तो फ्रिक्शन है नहीं क्योंकि एक स्मूथ है आपका बा, बाकी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो फाइव माइनस एफ इज इक्वल टू मास मास जो हुआ टू इन ए और एफ इज इक्वल टू ये है एम टू फाइव इंटू ए और इस तरह आप जोड़ेंगे यहाँ पे तो फाइव इज इक्वल टू सेवन इंटू ए तो एक्सलेन ऑफ ब्लॉक टू एक्लेन ऑफ ब्लॉक बाई सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इस तरह यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग गया बिटवीन ब्लॉक्स फाइव इंटू ए तो फाइव इंटू फाइव ए ए ए का का वैल्यू हुआ फाइव बाई सेवन ट्वेंटी फाइव बाई सेवन न्यूटन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 5. एक ब्लॉक है थर्टी फाइव के जी और सेवन के जी एम टू सेवन के जी पे फोर्स है एफ। सो ये है स्मूथ है ये सरफेस है स्मूथ है। स्मूथ का मतलब म्यू टू जीरो हो गया ये, फ्रिक्शन बिटवीन अ ब्लॉक जीरो पॉइंट फाइव और यहां पे, इस जगह जो फ्रिक्शन है इसमें दो डाटा लिखा हुआ म्यू एस जो कि बड़ा होता है जीरो पॉइंट फाइव के जो कि छोटा होता है वो है जीरो पॉइंट फोर ऐसे लिखा हुआ यहाँ पे फोर्स हंड्रेड न्यूटन अप्लाइड ऑन द ब्लॉक फोर्स जो है वो हंड्रेड न्यूटन है हंड्रेड न्यूटन अप्लाइड कर रहे हैं जी का वैल्यू लिखा हुआ है आपको टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है तो एसलेसन ऑफ ब्लॉक ए सो जो नीचे वाला ब्लॉक है उसका एसलेसन ऑफ एम टू मुझे एसलेसन ऑफ एम टू नीचे वाला ब्लॉक का एसलेसन चाहिए देखते हैं नीचे तो स्मूथ है नीचे तो स्मूथ है ठीक है चेक कर लेते हैं अगर हम लोग प्लान करेंगे इफ ब्लॉक्स मूव टुगेदर इफ एफ तो तो minimum इज इक्वल टू जीरो क्योंकि ये स्मूथ है तो जीरो हो गया और एफ का मैक्सिमम वैल्यू तो एफ का जो मैक्सिमम वैल्यू है जो आप आपने पढ़ा था कि एम वन प्लस एम टू और यहाँ पे M1 और डिवाइड बाई M2 और इन टू जी और यहां पे यूज करेंगे म्यू का मैक्सिमम वैल्यू म्यू वन माइनस म्यू टू तो म्यू एस माइनस म्यू टू ऐसे म्यू एस मैक्सिमम चाहिए ना एफ का मैक्सिमम तो इनमें मैक्सिमम वाला ले लेंगे चेक करते हैं हम लोग चेक कर लेते हैं पहले कि ये कितना आ रहा है तो थर्टी फाइव फोर्टी टू एम वन सेवन थर्टी फाइव ट जीरो पॉइंट फाइव तो ये कट गया और थर्टी फाइव थर्टी फाइव कट गया तो फोर्टी टू और न्यूटन तो एफ मैक्सिमम के लिए ये कंडीशन अभी मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे और अब मैं देखूंगा कि आपका फोर्स फोर्स तो इससे ज्यादा आ गया ठीक है ये फोर्स जो है गिवन फोर्स क्योंकि अगर हम लोग चेक कर रहे हैं मूव टुगेदर के लिए इफ मूव टुगेदर तो ये मैं चेक कर रहा था ठीक है बट आपका फोर्स तो उससे ज्यादा है ठीक है बट गिवन फोर्स एफ जो गिवन है ग्रेटर देन मैक्सिमम मैक्सिमम से ज्यादा हुआ ठीक है गिवन फोर्स जो है वो मैक्सिमम जो मैक्सिमम फोर्स है उससे भी ज्यादा है ठीक है इसका मतलब मूव टुगेदर नहीं अलग अलग बोथ ब्लॉक्स मूव विथ टू डिफरेंट तो ब्लॉक्स मूव विथ डिफरेंट एक्सलेसन डिफरेंट एक्सलेशन तो ये कन्फर्म है कि ब्लॉक्स तो साथ साथ नहीं चल रहे, ठीक है तो ब्लॉक्स मूव विथ आर डिफरेंट एक्सलेशन एक्सलेसन डिफरेंट है ठीक है चलिए अगर डिफरेंट एक्सोलेशन से मूव कर रहा है तो हमें टू इक्वेशन बनाना है और टू इक्वेशन में ऐसे हम लोग प्लान कर लेंगे हम लोग जानते हैं कि ये अब डिफरेंट एसोलेशन है तो ये है एक थर्टी फाइव के जी वाला ब्लॉक है दूसरा ब्लॉक है सेवन के जी का ब्लॉक है ये है हंड्रेड न्यूटन का इधर फोर्स लगा हंड्रेड न्यूटन ये अलग अलग एसोलेशन से चलेगा ये इसका एसोलेशन ए वन होगा और जब अलग चलेगा तो अफकोर्स यहाँ फ्रिक्शन जो होगा वो मैक्सिमम पे आएगा ये मैक्सिमम वाला फ्रिक्शन होगा एफ वन आप जानते हैं एफ वन क्योंकि अलग अलग अब तो अलग अलग चल रहा है अब तो साथ साथ रहता तो दोनों में हम लोग कॉमन एसोलेशन कॉमन फ्रिक्शन लेते बट ये तो अब अलग है अलग चल रहा है तो ये मैक्सिमम पे चलेगा मैक्सिमम क्या होता है तो मैक्सिमम मतलब काइनेटिक वाला अब मोशन कर रहा है ना स्टैटिक नहीं स्टैटिक तो जस्ट स्टार्ट करने के लिए होता है अब ये मोशन है मोशन में म्यूके लेंगे आप एम वन टू जी क्योंकि जीरो पॉइंट फोर चेक करने के लिए मैंने म्यूस लिखा है चेक करने के लिए बट आप जब मोशन करने लगा तब तो आपको म्यूके लेना होगा ना तो म्यूके है जीरो पॉइंट फोर एम वन है सेवन और टेन 28 न्यूटन ये है 28 न्यूटन तो ये है f1 एग्जैक्टली सेम इक्वल एंड अपोजिट f1 यहां लगेगा और इसका एक्सीलरेशन है a2 तो मुझे तो a2 निकालना है मुझे उसमें तो a1 में तो क्वेश्चन में दिया नहीं है मुझे a2 निकालना है तो अब ए a2 के लिए बना लीजिए ऐसे बना लेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स फोर्स जो है वो 28 और मास है थर्टी फाइव और ए टू तो एक्सेलरेशन ए टू ट्वेंटी एट बाई थर्टी फाइव मीटर पर तो ए टू जो हुआ ट्वेंटी एट बाई थर्टी फाइव वन से कम होगा वन से कम मैं एंसर चेक कर लेता हूँ वन से कम एक जीरो पॉइंट फोर है एक जीरो पॉइंट एट है तो एंसर ऑफकोर्स जीरो पॉइंट एट होगा हो गया एंसर ओके okay. और भी ऐसे और क्वेश्चन है फाइव सिक्स सबसीट जो आपको क्लास में डेली प्रैक्टिस के लिए मैं जो सीट देता हूँ ना उसी से है ये है लेक्चर नंबर सेवन और सेवन में एक क्वेश्चन और है फोर्टी के जी टेन के यहाँ है फोर्टी के जी टेन के ऐसे फोर्स है इसमें भी हंड्रेड न्यूटन हंड्रेड न्यूटन ही है लिखा हुआ और ये ब्लॉक है टेन के स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ही पॉइंट सिक्स एंड पॉइंट फोर यहाँ पे पॉइंट सिक्स है और पॉइंट फोर है सब वैसे ही क्वेश्चन है जी का वैल्यू इस बार लिखा हुआ है नाइन पॉइंट एट लेने के लिए जी इधर नाइन पॉइंट एट लेने के लिए ऐसा बोला गया है आपका ऑफ रिजल्टिंग फोर्स ऑन द स्लैब एम टू का ही वही एस हाँ. एल से निकालना है। तो सेम वही क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ये तो जीरो ही हुआ और यहाँ पे म्यूएस लेंगे तो यहाँ पे एम तो वन प्लस एम टू ये है फिफ्टी एम वन बाय एम टू टेन बाय फोर जीरो नाइन पॉइंट एट जीरो पॉइंट सिक्स सो टेन आप ले लेंगे सिक्स हो गया आपका जो भी आपका डाटा आ रहा है ये ट्वेल्व पॉइंट फाइव नाइन पॉइंट एट जीरो पॉइंट सिक्स और न्यूटन जो भी है आपका ये जो डाटा आ रहा है आपका मान लीजिए ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हंड्रेड से तो कम ही है हंड्रेड से कम है तो फोर्स इज गिवेन फोर्स इज ग्रेटर ब्लॉक्स मूव विद डिफरेंट एक्सीलरेशन सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पे बस आप डाटा चेंज कर लेंगे ये टेन है और ये है टेन और ये है आपका फोर्टी तो एफ वन एफ वन जो है म्यू के जीरो पॉइंट फोर 0.4 पॉइंट फोर मास टेन इंटू टेन इंटू नाइन पॉइंट एट तो फोर इंटू नाइन पॉइंट एट फोर मल्टीप्लाई बाय नाइन पॉइंट एट न्यूटन ऐसा ठीक है सो कर लेंगे यहां पे आप सॉल्व कर लीजिएगा यहां पे यह है फोर मल्टीप्लाई बाय नाइन पॉइंट एट इस साइड डिवाइड by फोर जीरो ए टू और फोर फोर कैंसिल होगा जीरो पॉइंट नाइन एट मैं चेक कर लेता हूं जीरो पॉइंट नाइन एट ठीक है ये हो गया अब तीन क्वेश्चन और हैं एक दो तो तीन ठीक सेवन सेवन है एक आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और कुछ ऐसा है क्वेश्चन so, एक ब्लॉक है मास है। इसके ऊपर एक और ब्लॉक है वो भी मास ही है सेम मास है। और ये सरफेस जो नीचे वाला सरफेस है स्मूथ है ऊपर वाला सरफेस है वो है म्यूएस यहां ब्लॉक है और अटैच है स्प्रिंग से ऐसे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है ब्लॉक m प्लेस ऑन द स्मूथ स्मूथ सरफेस है अनदर ब्लॉक क्यूब एंड लिखा हुआ आपका सेम मास है कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन इज द म्यूएस यहाँ म्यूएस है ठीक है ब्लॉक्स मूव टुगेदर परफॉर्मिंग एसएचएम ठीक है तो लिखा हुआ ब्लॉक्स मूव टुगेदर तो यहां लिखा हुआ है कि ब्लॉक्स मूव टुगेदर ये साथ साथ चल रहा है और यह एसएचएम कर रहा है और ए उसका एम्पलीट्यूड है सो ब्लॉक्स मूव टुगेदर और एस एच एम कर रहा है एम्प्लीट्यूड ए है सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन पी एंड क्यू तो पी एंड क्यू के बीच में ये ब्लॉक्स जो है उनके बीच में जो पी और क्यू है उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू चाहिए देखिए ये जो लाइन लिखा हो ना कि ब्लॉक्स मूव टुगेदर ब्लॉक्स मूव टुगेदर एम्ब्लीट्यूड है ए तो उससे आपको रिलेट करना है ये छोटा ही क्वेश्चन है है तो आईडी एडवांस का बट काफी छोटा क्वेश्चन है सबसे पहले तो स्प्रिंग फोर्स देख लीजिए कि अगर आप यहां लगा हुआ है स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट है तो आप जानते हैं कि ये जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऐसा ये ये जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है स्प्रिंग फोर्स जो हो गया, वो हो गया के इंटू ये जानते हैं और एक्स यहाँ एस एस, एस एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा ये तो ब्लॉक्स जो है वो एम्पलीट्यूड ए है ऐसे एम्पलीट्यूड ए क्योंकि ये मूव कर रहा है विथ एम्पलीट्यूड ए लिखा हुआ है तो एम्पलीट्यूड ऐसा ए तो आप जानते हैं यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ए ऐसे चाहे आपका कंप्रेशन भी होगा तो ये भी कंप्रेशन ए होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स जो है वो ए के बराबर है ऐसा अब आपका ये एस एच एम है और एस एच एम के साथ फ्रिक्शन अटैच किया गया है ब्लॉक्स को मूव टुगेदर है अब आपका क्वेश्चन स्प्रिंग वाला फोर्स से ये रिलेट करना था कि ब्लॉक पे जो ऐसे स्प्रिंग फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू है के इन टू ए बाकी क्वेश्चन अब आपका आ गया फ्रिक्शन में कि एक ब्लॉक है मास एम है इसके ऊपर एक और ब्लॉक है वो भी मास है नीचे में तो स्मूथ है नीचे का सरफेस लिखा हुआ है यह है स्मूथ है और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स मिल गया ठीक है क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये ये मूव मूव टुगेदर टुगेदर तो अब मुझे चाहिए यहां पे फ्रिक्शन फोर्स चाहिए था अगर मूव टुगेदर है तो बिटवीन ब्लॉक्स अब साथ साथ चलेगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं लिख सकते अलग अलग रहता तब ना मैक्सिमम फ्रिक्शन लिखते आप अब जब मूव टुगेदर है तब आप अपना इक्वेशन ऑफ मोशन बना लेंगे बोलेंगे कि एक ब्लॉक है एम बड़ा वाला ब्लॉक एक ब्लॉक है एम छोटा वाला ब्लॉक यहाँ लग गया फोर्स फोर्स एफ ऐसे लग गया फ्रिक्शन इसमें पीछे लगेगा यहाँ एंड अपोजिट फ्रिक्शन ऐसे लगेगा ठीक है और ब्लॉक ब्लॉक का आप जानते हैं मूव टुगेदर में एक्सलेसन ए हो गया और मूव टुगेदर में इसका एक्सलेसन ए हो गया नाउ अब आप, आपको टू इक्वेशन बनाना है सॉल्व करना है सो अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे कि फोर्स इज इक्वल टू अ मास इनटू एक्सलेशन ऐसे बनाएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन इसके लिए तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए दूसरे के लिए एफ एम इनटू ए दोनों ऐड कर लीजिएगा एफ इज इक्वल टू टू एम इनटू ए एफ का मतलब होता है के टू एम एन टू ए सो के ए बाई टू इज इक्वल टू एम एन टू ए और ये फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो है वो एम ए के बराबर होगा और एम ए का मतलब हुआ के ए बाई टू तो ऑप्शन में देखेंगे के ए बाई टू है ये आई टी एडवांस क्वेश्चन था जिसमें स्प्रिंग फोर्स एस एच एम और फ्रिक्शन ब्लॉक्स मूव टुगेदर एक साथ जोड़ा गया था दो क्वेश्चन और हैं वो मैं कंप्लीट करता हूँ नेक्स्ट एट पॉइंट देखिए एट सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर ऐसा लिखा हुआ फिगर में तो एक ब्लॉक है जिसका लेंथ है एट सेंटीमीटर दूसरा ब्लॉक है इसके ऊपर रखा हुआ उसका लेंथ है फोर सेंटीमीटर ऐसा यह ब्लॉक ए और यह ब्लॉक बी ठीक है तो टू ब्लॉक और ब्लॉक ए जिसका मास है वन के जी एंड बी जिसका मास है टू के जी फोर्स फाइव न्यूटन अप्लाइड ऑन ए यहाँ पे फोर्स लगाना है, वो है 5 B, mu1, वो न्यूटन। कॉफिकेशन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी म्यू वन वो जीरो पॉइंट टू लिखा हुआ है बिटवीन ए एंड बी एंड बी यहाँ पे स्मूथ है ये जीरो है टू जीरो लिखा हुआ फाइंड द टाइम टेकन फॉर द फ्रंट फेस ऑफ ए इज कॉन्साइड विथ फ्रंट फेस ऑफ बी तो टाइम चाहिए वेन फ्रंट फेस ऑफ ए कॉन्साइड विथ विथ फ्रंट फेस ऑफ बी इससे तो साफ पता चल रहा है कि अगर ये ये ए चलेगा और इससे कॉन्सैक्ट करना है तो इससे तो ये स्टेटमेंट से ही पता चल गया कि ये डिफरेंट एस से चल रहा है टुगेदर वाला क्वेश्चन नहीं है टुगेदर रहेगा तब तो साथ साथ चलते रहेगा कहीं भी वो सेपरेट नहीं करेगा ये तो स्टेटमेंट से ही वैन फ्रंट फेस ऑफ ए कौन साइड विथ फ्रंट फेस ऑफ बी इससे लैंग्वेज नहीं पता चला कि वो दोनों अलग अलग, अलग चलेगा ठीक है अब अलग, अलग अलग चल रहा है तो हम लोग प्लान कर लेते हैं देखिए, ये जो बी ऐसे ये ब्लॉक बी हुआ जो कि टू के जी वाला और ये है ब्लॉक ए जो कि है वन के जी का ठीक है अगर इस पे लग रहा है आपका फोर्स ऐसे इस पे लग रहा है फोर्स जो है वो फाइव न्यूटन का तो इसके चलते इस पर फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो लग गया वो पीछे ठीक ठीक है ठीक है ये जो है ये फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो जो इज इक्वल म्यू वन और एम वन जी म्यू वन का मतलब हुआ जीरो पॉइंट टू एम वन वन और जी जी का वैल्यू टेन ऐसे ये है टू न्यूटन फ्रिक्शन टू न्यूटन हुआ यहाँ पे फ्रिक्शन एफ जो हुआ आपका एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट ये फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे आपका ठीक है नीचे तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं क्योंकि तो नीचे स्मूथ है ठीक है और अब हमारा जो हुआ ये अलग अलग तो चलना ही है वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है ये ए वन होगा और ये एसलेसन ए टू होगा ऐसा तो अब आप इक्वेशन लगा दीजिए छोटा सा क्वेश्चन है तो फर्स्ट वाले में ऊपर में लगाएंगे तो फाइव और माइनस फ्रिक्शन फ्रिक्शन हुआ टू और इज इक्वल टू वन इन ए वन ऐसे तो यहाँ से ए वन मिल गया वो है थ्री थ्री मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे फिर से दूसरा इसके लिए इक्वेशन लगाएंगे तो फोर्स फोर्स जो है वो है टू इज इक्वल टू एम टू टू इन ए टू ए टू तो एक्सेलरेशन ए टू जो हो गया वो हो गया वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा ठीक है ऐसा अब आप जानते हैं कि यहां पे हम लोग रिलेटिव मोशन यूज करेंगे और बड़ा ही आसान है रिलेटिव मोशन में वो कॉन्सेप्ट कई जगह आप पहले भी यूज कर चुके हैं तो ऐसा हम लोग प्लान करेंगे तो आप जानते हैं कि ये है ये है ब्लॉक बी और ये ब्लॉक ए एम टू है और ये है एम वन तो अगर हम लोग प्लान ऐसे करेंगे ऐसे तो ऐसे अब ये चल रहा है ये चल रहा है इसका एसोलेशन ए वन है जो कि हम लोग ने निकाला ए वन और ये नीचे वाला चल रहा है इसका एसोलेशन ए टू है तो ये फिगर जो है आप चाहें तो इस फिगर को रिप्लेस कर सकते हैं और ये फिगर इक्वलेंट टू ठीक है ये फिगर इक्वलेंट ऐसे हो जाएगा कि ये मैं बात करूं कि ये एम टू ठीक है ये एम टू जो है ये रेस्ट में इसको रेस्ट में कर दूं मैं ऐसे रेस्ट में करूं बोलूँ कि एम टू रेस्ट में और ये जो एम वन है वो ऐसा चल रहा है ठीक है ऐसे चल रहा है ठीक है तो एम टू रेस्ट में कर दूं और एम वन को मूव कराऊं तो यहाँ आप जानते हैं कॉन्सेप्ट

और आपको कितना दूर चलना कितना है देखिए तो ये एकदम आसान सा आपको चलना थोड़ा सा दूर तो है ये एट था ये फोर था तो ये डिस्टेंस जो हो गया वो फोर सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फोर सेंटीमीटर है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और अब मुझे उसको कॉन्साइड कराना है नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप कि अब मुझे दोनों का फ्रंट फेस को कॉन्साइड करना है टाइमिंग चाहिए अब मुझे टाइम चाहिए कि आपका फ्रंट फेस ए और बी कॉन्साइड कर जाए तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में मुझे यह करना है कि ये तो रेस्ट में रहेगा ही ये वाला जो बी वाला है रेस्ट में है और अब मोशन कर रहा है सिर्फ ऊपर वाला और मुझे कुछ टाइमिंग चाहिए कि यह कौन साइड कर जाए तो फ्रंट फेस जो है दोनों का कौन साइड कर जाए ये ठीक है फ्रंट फेस कॉन्सेकट कर जाए एस ठीक है तो फ्रंट फेस कॉन्सेकट करने के लिए हमें टाइमिंग चाहिए तो यहां पे आप यूज करेंगे यहां से यहाँ के आने के लिए टाइम चाहिए ऐसे तो यूज करिए एस इज एक टू यू टी प्लस हाफ एटीज स्क्वायर हाफ एटीज को तो एस एस का वैल्यू जो हुआ एस जो हो गया आपका चलना है कितना तो फोर सेंटीमीटर तो फोर इंटू टेन पे पावर माइनस टू प्लस हाफ एस एल रेशन जो हो गया टू टाइम डी सो टाइम अगर सॉल्व करेंगे ये टू एंड टू कैंसिल हो गया आपका और इसको रूट लेंगे तो पॉइंट टू सेकेंड तो पॉइंट टू सेकेंड है जब ये कौन साइड कर जाएगा तो ऑप्शन है ऑप्शन में आंसर डी होगा आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है Uh, next question. Nine, I say a question all. So you have. सिक्स के जी ये बड़ा सा ब्लॉक है जिसका लेंथ लिखा हुआ है वन मीटर और, और इसपे है एक फोर के जी का एम वन एक छोटा सा ब्लॉक है यह है म्यू जीरो यहां पे म्यू जीरो है और यहां पे है म्यू वन इज अकॉर्ड टू जीरो पॉइंट थ्री ऐसे व्हेन फोर किलोग्राम ब्लॉक सेपरेटेड फ्रॉम सिक्स किलोग्राम तो हमें चाहिए था टाइम व्हेन when... अच्छा इसमें फोर्स भी जस्ट इसमें मिसिंग था फिगर में ओके okay, कुछ मिसिंग है इसमें डाटा so, please, मुझे चेक कर लेने दी थोड़ा इसमें डाटा कुछ मिसिंग था अच्छा यहां मेरे पास सेट है हां फिफ्टी न्यूटन है यहां ऊपर फिफ्टी न्यूटन आप यहां पे फोर्स लगा रहे हैं फिफ्टी न्यूटन सो वेन एम वन सेपरेटेड फ्रॉम फ्रॉम एम टू तो अमाउंट जो है सेपरेट करेगा टाइम चाहिए व्हेन एमाउंट सेपरेटेड फ्रॉम एम टू ये था बढ़िया तो एकदम आसान सेम कॉन्सेप्ट वही है जब अगर सेपरेट करना है तो साथ साथ चलने का तो कोई सेंस ही नहीं है तब इसका मतलब अलग अलग ही चलना पड़ेगा और जब अलग अलग चलना होगा तो आप निकाल देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालिए और फिर रिलेटिव फिर उसके बाद ड्रॉप करना है तो वह हाँ, अलग अलग चलना है तो आप ऐसे बना लीजिए कि ये है M2 टू वो एक बड़ा ब्लॉक है ये है M1 वन यहाँ फोर्स है F फोर्स F हुआ पीछे फ्रिक्शन होगा और यहाँ फ्रिक्शन होगा ऐसे ये है फ्रिक्शन फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगा आपका uh, म्यू वन और एम वन जी होगा म्यू वन म्यू वन का वैल्यू पॉइंट थ्री एम वन एम वन का वैल्यू जो हुआ फोर जी का मतलब हुआ टेन तो फ्रिक्शन ट्वेल्व न्यूटन ऐसे ठीक है ये मूव कर रहा है और इसका एसोलेशन ए वन और ये मूव कर रहा है एस का एसोलेशन है ए टू ऐसे सो so, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाला यूज करेंगे सो so, यहाँ हुआ कैपिटल एफ एफ जो है वो 50 और माइनस फ्रिक्शन 12 इज इक्वल टू एम वन एम वन लिखा हुआ 4 इन ए वन सो ये हुआ 38 एट बाई फोर थर्टी एट बाई फोर थर्टी एट हुआ डिवाइड बाई फोर तो यहाँ पे हुआ सेवनटीन नाइनटीन और डिवाइड बाई टू नाइन पॉइंट फाइव 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वासन ए वन देन फोर्स से टू मास इनटू एक्सोलेन फोर्स फोर्स जो है वो 12 मास मास जो हुआ एम टू सिक्स इंटू ए टू तो ए टू जो हुआ वो हुआ आपका टू मीटर पर सेकेंड ऐसे इसके अगले स्टेप जो है हम लोग पढ़े थे कि एसोलेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू तो टू ऐसे निकाल दीजिए आप आप जानते हैं डिस्टेंस तो ऑफ वन मीटर आप जानते हैं कि ये ये जो ब्लॉक है मान लीजिए एम टू है और ये इसके ऊपर बैठा हुआ है एक एम वन है और ये है वन मीटर है ये एम वन हुआ ऐसा और ये मूव कर रहा है ये है वन मीटर ये मूव कर रहा है इसका एसलेसन है ए वन और ये मूव कर रहा है एसोलेसन ए टू ऐसा तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ये फिगर जो है वो इक्विवेलेंट टू ऐसा तो आप जानते हैं बनाने का मेथड आपका कि आप इस फिगर को ऐसे बोल सकते हैं कि ये एम टू रेस्ट में है एम टू जो है वो रेस्ट में है और एम वन जो मूव कर रहा है वो कुछ ऐसा एसोलेसन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू एसन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू वो होता है एसलेसन ऑफ वन माइनस टू तो ये है एसलेसन ऑफ वन नाइन पॉइंट फाइव और माइनस uh, ये है सेवन पॉइंट फाइव ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा और आपको ड्रॉप करना है यहाँ से ड्रॉप करना, करना है तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यू इज यू चेर वो और ये लेंथ है वन मीटर आपका ये लेंथ हुआ वन मीटर तो आप फॉर्म लगा देंगे वाला फर्मुला? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी है वन मीटर इज इक्वल टू यू जीरो प्लस हाफ और एस एल रेसन एस जो है फिफ्टीन बाई टू और टी स्क्वायर सो टाइम जो हुआ वो है ऑफ फोर डिवाइड बाई फिफ्टीन अंडर रूट या टाइम हुआ आप बाई रूट फिफ्टीन कर सकते हैं तो इतने सेकंड में वो ड्रॉप कर जाएगा तो ये हो गया आपका